हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा, थोड़ा जल्दी दे दो हमें भी। उंगली कैसे कट गई? स्पाइसी स्पाइसी जो आप बनाते हो वही वाला खिला दो आप हमारे को। इसके अंदर कोई वैरायटी भी है वड़ा पाव के अंदर? चीज़ है, क्लासिक है, बटर है, चीज़ बस्ट है। घोटाला कर रही हूँ बहुत बड़ा। मैं वही देखने आया हूँ कि क्या घोटाला हो रहा है यहाँ पे। अब इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारा सिर खाते हैं। एक चीज़ मैं बताती हूँ, फैमिली अभी बड़ी है मेरी, बट मैं जब दुकान लगा रही थी ना तब से भी मेरा माल कभी घर नहीं जाता था। अच्छा, तब भी मेरे कस्टमर वेट कर रहे होते थे कि अब दीदी आएंगे अब वड़ा पाव खाएंगे। तो मैंने 2 साल पहले ट्रेंड लाया वड़ा पाव का दिल्ली में। क्या बात है, क्या बात, कितना सॉफ्ट है कि ऐसा ना पाव ऐसे मतलब ना अपनी जगह पे बैठ ही नहीं रहा, ऐसे मुड़ी जा रहा है, मतलब इतना सॉफ्ट है। आपके वड़ा पाव में क्या स्पेशल है जी? क्या चटनी? चटनी? क्या बात है भाई, कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं मैडम का। वैसे आंटी जी अपनी एज क्या होगी वैसे? मेरी 49 प्लस। 49 प्लस है। और ये सारी प्रिपरेशन आप अकेले करते हो कि कैसे करते हो? हमारे पास रिपीट कस्टमर हैं, जो एक बार खाते हैं वो रिपीट आते हैं, यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट रिपीट हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अंकल जी भी रिपीट, हम भी बहुत दूर से आए हैं आपकी वीडियो देख के, आपके यहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए। जब आप टेस्ट करोगे तो मेरी वीडियो पे सिद्धिविनायक वड़ा पाव के नाम से कमेंट जरूर। डन 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 डन। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? वो क्या होता है? वो जो कैमरामैन खड़े होते हैं बॉलीवुड उतरे थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। सर 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 प्लीज 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 सर एक फोटो, सर एक फोटो, सर फोटो, सर फोटो। ठीक है, 4 मिनट बाद। अरे सर कुछ खाते तो जाओ, मेरी बात सुनो सर। वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब 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 भाई, तभी तो कह रहा हूँ कि चला चलते हैं फिर आज ना कुछ बढ़िया सा खाने के लिए। चलो क्या खाएंगे? वड़ा पाओ, क्योंकि भैया इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे ना दिमाग खराब हुआ हुआ है भाई, जब देखो स्क्रॉल करो वड़ा पाओ वड़ा पाओ वड़ा पाओ। तो हमने सोचा कि चलो यार आज हम भी ना सोसाइटी का प्रेशर आ गया, अगर ये नहीं खाया तो। सही बात है, तो हमने सोचा कि चलो यार आज हम भी ना प्लान करते हैं और चल के ना वड़ा पाओ टेस्ट करके आ ही जाते हैं। चले फिर, चलो चल भाई चल। बाकी एक बार ना ब्लॉग की स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, की हालचाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखो हमारा आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है। मेरा गला ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। सो यार हम लोग भी पहुंच गए हैं वड़ा पाव वाली जगह पे। और वैसे देखो यहाँ पे ना पूरी अच्छी खासी ना मार्केट बन चुकी है। आज प्रीत पाजी क्या देख रहे हो? कौन सा वाला वड़ा पाव ट्राई करना? कौन से वाला वड़ा पाव ट्राई करना है आपने? सारी फेमस, सारी फेमस है, सारी फेमस है भाई। पहले ना एक्चुअली में सिर्फ एक ही रेडी लगी थी। वैसे तो यार देखो आप लोगों को पता ही होगा, ये वाली रेडी जो है ना ये चंद्रिका दीक्षित वाली रेडी लगी थी और ये खड़ी हुई है चंद्रिका दीक्षित। बाकी इसके अलावा ना यहाँ पे पूरी भैया हब भी बन चुका है मार्केट का ना खाने पीने का। हम लोगों की नज़र ना वहाँ से पड़ी और वहाँ से हमने देखना शुरू किया और यहाँ 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 जाते 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 देखो सामने तक ना मतलब दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना वहाँ तक कोई ना कोई रेडी खड़ी हुई है वड़ा पाव वाली। तो यार चल के ना हम भी ट्राई कर ही लेते हैं क्योंकि ना भूख तो लगी रही है बहुत जोर से। तो जब मैं यहाँ पर अभी पहुँचा था ना तब मेरे सामने ये वाले पाजी वड़ा पाव खा रहे थे। कैसा लगा आपको वड़ा पाव? ये वड़ा पाव अच्छा है इनका, ऐसी बात नहीं, बढ़िया वड़ा पाव, बढ़िया है, मजा आया खा के। इससे पहले कभी ट्राई किया था वड़ा पाव? नहीं, यही ट्राई किया था। यही ट्राई किया? नहीं, इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया दिल्ली के अंदर? नहीं, दिल्ली में ट्राई किया। ओहो, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा टेस्ट इसका बढ़िया? स्वाद तो पता लगता है, स्वाद तो बढ़िया ही है। अच्छा ठीक है, पाव बढ़िया थे? पाव बढ़िया, मेल्ट हो रहे थे मुंह में डाल दी, बटर लगा पूरा, बढ़िया पाव बनाया। चल सही है, सही है, आपको बढ़िया लगा? चलो ठीक है यार, ओके थैंक यू। ये देखो ये है वड़ा पाव और यहाँ से मिल रहा है, बाकी अच्छी खासी लंबी लाइन है। आज प्रीत जाके लग गया, देखो कह रहा कि मैं लग जाता हूँ लाइन के अंदर। मैंने कहा चल तू लग जरा, मैं ना थोड़ी सी यहाँ से शॉर्ट ले लूँ और इनकी। हेलो जी, हेलो, क्या हाल है, कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया सर। मैं ऊपर मैं ऊपर आ गया हूँ थोड़ा आपके पास आपकी ना रेसिपी चोरी करने के लिए। इसके अंदर कोई वैरायटी भी है वड़ा पाव के अंदर? चीज़ है, क्लासिक है, बटर है, चीज़ बस्ट है। अच्छा, इतनी सारी वैरायटीज है, बट अभी बटर और क्लासिक निकल रहा है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। कितना टाइम हो गया आपको इस कार्ट को चलाते हुए? अभी मतलब 1.5 साल से तो ऊपर हुआ है सर। अच्छा, होने वाला है। और वायरल हुए हुए सर? शुरू मतलब वायरल हुए मुझे 5-6 महीने। 5-6 महीने हो चुके हैं। ओके, और कैसा लगता है फिर? अब इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारा सिर खाते हैं। एक चीज़ मैं बताती हूँ, फैमिली अभी बड़ी है मेरी, बट मैं जब दुकान लगा रही थी ना तब से भी मेरा माल कभी घर नहीं जाता था। अच्छा, तब भी मेरे कस्टमर वेट कर रहे होते थे कि अब दीदी आएंगे अब वड़ा पाव खाएंगे। तो मैंने 2 साल पहले ट्रेंड लाया वड़ा पाव का दिल्ली में। क्या बात है, क्या बात, दूसरा वड़ा पाव, क्या बात है। अभी इस टाइम पे जितने लोग आते हैं सारे खा के जाते हैं, सारे लेके जाते हैं? लेके मोस्टली खाना और पैकिंग दोनों हो रहा है। वैसे अपनी टाइमिंग क्या चल रही है इस टाइम पे? 4 से 9 हुआ है सर। 4 से 9 हो गई अब? ठीक है ठीक है ठीक है। और वो सारे मैटर सॉल्व हो गए जो पहले वाले मैटर थे सर?
गुड है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया लगा। हाँ। क्या बात है, ज्यादा सारे तो लिए नहीं आप लोगों ने? पहले टेस्ट तो करें। आए ठीक है। दोबारा आओगे खाने? हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। चलो गुड है। हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा, थोड़ा जल्दी दे दो हमें भी। उंगलियां काट रही हूं मैं। उंगली कैसे कट गई? स्पाइसी वड़ा पाव जो मैं बनाती हूं। जो आप बनाते हो वही वाला खिला दो आप हमारे को। मुझे रिव्यू देके जाना पड़ेगा 100%। अरे वाह, थैंक यू। भाई मेरे को तो मिल गया, देखो अपना आ गया। हाँ जी आ गया फाइनली वड़ा पाव। वड़ा पाव मिल गया आपको स्ट्रीट का। भाई इस गली का नाम ही वैसे ना वड़ा पाव स्ट्रीट हो जाएगा, देखिए आने वाले टाइम में। सही बात है ना। सारी की सारी जितनी अभी ना रेडियां लगी हुई है ना, सारी की सारी ना वड़ा पाव वाली है, बट हमने तो ना जिसका फेमस है ना हमने उसका जाके लिया सबसे पहले, तो इसको ना ट्राई करते हैं एक बारी। गरम गरम माउथ वाटरिंग और बड़े अच्छे से सर्व करा आपको। सही बात है, बड़े प्यार से सर्व करा उन्होंने, बड़े प्यार से हम लोगों के साथ बात करी। इनफैक्ट हमारे साथ ही नहीं सबके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। सो यार ये चीज़ ना उनकी लाइन में लगे हुए थे, फिर भी उन्होंने अच्छे से आपको हाँ बोला कि आप लाइन में मत लोग आप। हाँ बट चल लाइन में छोड़, बट फिर भी ना उनका जो वे ऑफ टॉक है ना वो बहुत अच्छा है। मेन मैटर ये चीज़ करती है कि आप सामने वाले को जो भी कुछ खिला रहे हो ना वो कितना प्यार से कितना रिस्पेक्टफुली खिला रहे हो। सो इन सारी चीज़ों में ना ये नंबर वन है। तो ठीक है अब हम वड़ा पाव भी खा के ना देख लेते हैं कि वड़ा पाव कैसा है। ठीक है तू खा के बता भाई जल्दी से। ये गया भाई जैसे तेरे मुंह में गया ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, कंट्रोल हो नहीं रहा, बट जल्दी बता। गुड है भाई, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बहुत सॉफ्ट है। आप ट्राई करो। चल ठीक है, बाकी ये देखो ये रहा अपना वड़ा पाव और साथ में ये थोड़ी सी ना बूंदी टाइप डाली हुई है और चटनियाँ मसाले डले हुए हैं, साथ में मिली है मिर्ची और चटनी। तो इसको हम ना खाते हैं, ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसे हैं। और कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। हुकम करो भाई, हुकम करो आप। नाम बता सकते हो अपने चैनल का एक बार? हाँ लिख भाई लिख। DAMAN स्पेस SETHI। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, गुड है भाई, गुड है, पास है। सो यार यहाँ पे ना एक और काट है जो बहुत वायरल हो रहा है इस टाइम पे, और ये भी आंटी वड़ा पाव ही बना रही है। तो चल के ना एक बारी जरा देख लेते हैं आंटी जी का वड़ा पाव कैसा है। यहाँ पर भी आए हैं तो ट्राई करके जाएंगे। हेलो आंटी जी, कैसे हो जी? आपकी वीडियो बना रहे हैं थोड़ी सी, ठीक है? आप भी इस टाइम पे काफ़ी वायरल हो रहे हो सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा चलो आंटी के पास भी वड़ा पाव खाकर आते हैं। तो क्या स्पेशल है अपने वड़ा पाव में, बताओ आप थोड़ा सा। सर स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसे नॉर्मल बनता वैसे ही है, बस चटनी का फर्क है। हाँ जी, घाटी मसाले का फर्क है। ओके चलो ठीक है, हमारे लिए ना आप दो वड़ा पाव लगा दो। वैसे आंटी जी अपनी एज क्या होगी वैसे? मेरी 49 प्लस। 49 प्लस है। और ये सारी प्रिपरेशन आप अकेले करते हो कि कैसे करते हो? घर में मेरी मदर मेरे हेल्प करते हैं। अच्छा, वो भी हेल्प करते हैं। तो उनकी एज क्या है? उनकी 72। उनकी 72, मतलब पूरी फैमिली लगी हुई है इसके अंदर? हाँ जी, हम तीन ही हैं फैमिली में। ठीक है, आप वो मदर हो और ये भैया है? ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। सो भाई यहाँ पर भी ना हमारा ये वाला वड़ा पाव आ गया, हमने इस वाले कार्ट से लिया है। दोबारा हम एक और वड़ा पाव खाएंगे भाई, बस आपको फीडबैक देने के लिए कि उसका बेटर था या इनका। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, दोनों ही बढ़िया होंगे, मैं अपनी जगह टेस्ट होगा। हाँ ठीक है, बाकी यार वैसे इनका पाव भी ना मेरे को अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, सही लग रहा है। ये गया अशप्रीत सिंह जी के मुँह में, ओए होए होए। ये गया अशप्रीत सिंह जी के मुँह में, ओए होए होए। अशप्रीत सिंह जी ने स्वाद लेते हुए, चटनी अमेजिंग है, मज़ेदार, क्या बात है क्या बात है। चलो ठीक है अब हम भी ना देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका भी, और चटनी वगैरह मसाले वगैरह बहुत नॉर्मल हैं कि बच्चे भी अगर खाएंगे ना तो आराम से इसको खा सकते हैं, कोई ज़्यादा तेज मसाले नहीं है, घर जैसे मसाले हैं। गुड है भाई, है ना, बढ़िया भाई। हम ना एक और कार्ट पर आ गए हैं वड़ा पाव खाने के लिए, सिद्धि विनायक वड़ा पाव। तो बाकी इनका भी वड़ा पाव खा के देखते हैं इनका वड़ा पाव कैसे है। बाकी देखो यहाँ पर कुछ वड़ा पाव बन रहे हैं। हेलो जी, हेलो कैसे हो जी? जी बढ़िया। क्या नाम है जी अपना? चांदनी सिंह है। ओके, आपका वड़ा पाव स्पेशल क्यों है, क्या खास है इसके अंदर? साफ सुथरा है, अच्छी क्वालिटी का है, सारा ओरिजिनल है, इसलिए बेस्ट है। ठीक है ठीक है, चलो ट्राई करते हैं हम लोग भी खा के इसको। ठीक है, हमारे पास रिपीट कस्टमर है, जो एक बार खाते हैं वो रिपीट आते हैं, यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट रिपीट हैं। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। अंकल जी भी रिपीट, हम भी बहुत दूर से आए हैं आपकी वीडियो देख के, आपके यहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए। जब आप टेस्ट करोगे तो मेरी वीडियो पे सिद्धि विनायक वड़ा पाव के नाम से रिकमेंड जरूर। डन 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 डन।
सो फाइनली जी फाइनली अपना ना गर्मा गर्म वड़ा पाव आ चुका है और हम वो सामने वाली रेडी थे ना लेकर साइड पर आ गए क्योंकि ना वहाँ पे ट्रैफिक बहुत है और शोर बहुत है। भाई चेक तो कर, अब आप चेक करो जी। अब मैं चेक करूंगा, चल ठीक है ला भाई मैं चेक करता हूँ। वैसे ना ये वाला जो वड़ा पाव मिला ना ये काफ़ी गर्मा गर्म मिला और सही में यार इसकी फिलिंग वगैरह भी इसकी भी अच्छी है। भाई जितने वड़ा पाव यहाँ पर हम ना देख रहे हैं ट्राई कर रहे हैं सबका ही अपना फ्लेवर है यार। भाई ये भी बहुत बढ़िया मज़ेदार, सीरियसली बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। बाकी मिर्ची भी खा लेते हैं और सही है। चटनी का फ्लेवर है ना वो भी बड़ा सिंपल सा बहुत बढ़िया सा है, सो बिल्कुल भी ना ज़्यादा उसमें मिर्ची विर्चे नहीं है कि मतलब आराम से बच्चे वगैरह भी खा सकते हैं इस वाले को। और पाव ये वाला बहुत सॉफ्ट है। बाकी मैं खा लेता हूँ पहले फटाफट से और आपसे मिलता हूँ दो सेकंड के बाद। अभी भाई ये वड़ा पाव खा रहे हो, ये किसका खा रहे हो? सिद्धि विनायक वालों का। राइट, सिद्धि विनायक वालों का वड़ा पाव था ये वाला। बट यार ये देख कितना सॉफ्ट है कि ऐसा ना पाव ऐसे मतलब ना अपनी जगह पे बैठ ही नहीं रहा, ऐसे मुड़ी जा रहा है, मतलब इतना सॉफ्ट है। देख रहा कैसे मेल्ट हो रहा है एक तरीके से, और सोच मैं इसको जैसे ही मुँह में डालता हूँ कैसे मेल्ट होके कहाँ जा रहा है ये। ओए ओए मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाई यहाँ पर इतने सारे वड़ा पाव वाले के कार्ट लगे हुए हैं ना कि अब एक और नेक्स्ट कार्ट पर आ गए। हमने कहा कि अब आए हुए हैं तो यहाँ पर इनका भी ट्राई कर लेते हैं। हेलो जी, हेलो कैसे हो जी, क्या हाल है जी? बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है दीपिका। ओके, आपके वड़ा पाव में क्या स्पेशल है जी? क्या चटनी? चटनी, क्या बात है भाई, कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं मैडम का तो, क्योंकि रिव्यू अच्छा आ रहा है। अच्छा, मेरे पास चटनी का। ठीक है लगा दो हमारे लिए एक। सो ये गया अशप्रीत सिंह जी के मुंह में एक और बड़ा पाव। कैसा है भाई? बहुत बढ़िया। दिखा मैं भी ट्राई करता हूँ। इन्होंने ना साथ में हमारे को ना दो तरीके की चटनी दी है, एक थोड़ी सी स्पाइसी वाली थी और एक हरी वाली चटनी है। बाकी इनकी चटनी स्पेशल है वो कह रहे थे तो खा के बताते हैं कैसी है। तो सारे कह रहे हैं बढ़िया बढ़िया, सारे इनको बढ़िया लगे, अब क्या करें सारे बढ़िया लगे ही हैं। इनका तो सच्ची में इसका भी बहुत बढ़िया है यार। इन्होंने दो तरीके की चटनी दी हुई है, एक मिर्चों वाली और एक नॉर्मल। दोनों चटनी का ना कॉम्बिनेशन करके यार बहुत सही आ रहा है यार। क्यों भाई बढ़िया लगा ना? एक नंबर। इनका ना पाव बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट है और इन्होंने जो पाव को गर्म करा है ना भाई वो देखा अमूल के अंदर करा था, बिल्कुल क्रिस्प, अमूल मक्खन के अंदर इसको ना गर्म करा है। सो इससे करते ना और भी ज़्यादा ये टेस्टी हो गया, मज़ेदार हो गया, सॉफ्ट हो गया, क्रिस्पी नहीं सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया है ना। सही है भाई सही है। तो इसको भी खा लेते हैं। सॉरी बट हम यहाँ पे ना देखने आ गए कि आप क्या कर रहे हो। घोटाला कर रही हूँ बहुत बड़ा। मैं वही देखने आया हूँ कि क्या घोटाला हो रहा है यहाँ पे। मेरा छोटा सा वर्क होता था तो ये सारा काम मैं हैंडल करती थी, तो आज मेरा जो स्टाफ है भी गया है कहीं। हाँ नहीं नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपका वड़ा पाव मेरे को सच्ची बहुत टेस्टी लगा, सीरियसली। चलो थैंक यू। चंद्रिका मैडम कह रही थी कि मेरे को 1.5 साल हो गया इस कार्ड को लगाते हुए, इस काम करते हुए, बट मेरे को वायरल हुए भी 3-4 महीने हुए हैं। और 3-4 महीने में मैडम देखो कितना वायरल हो गई है कि लोग दूर दूर से ना इनके पास वड़ा पाव खाने के लिए आ रहे हैं और हम भी आए थे। क्यों भाई? 1.5 साल की मेहनत भी है। 1.5 साल की मेहनत है बट सारी पावर वैसे मेरे हिसाब से सोशल मीडिया की है भाई। टेस्ट तो है ही है नो डाउट, बट पावर ऑफ सोशल मीडिया। आज हमने ना एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4-4 वड़ा पाव खा लिए और अशप्रीत सिंह जी देखो कैसे ढेर होके बैठ गए हैं, पसीना पसीना हो गए बेचारे वड़ा पाव खा खा के। बट ओवरऑल वड़ा पाव खा के ना मज़ा बहुत ज़्यादा वाला आया क्योंकि सबका फ्लेवर बहुत अलग था। क्यों क्या कहता भाई, कहता था बहुत टेस्टी थे, सबके अपनी अपनी जगह सब बहुत टेस्टी, सब टेस्टी, सब बहुत टेस्टी है ना। तो तू वैसे अगर अगर रेटिंग देना चाहे तो कैसे दे सकता है रेटिंग, 1, 2, 3, 4 करके अगर देना चाहे तो? मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि किसी को वो नहीं करना है, सबने अपना तो अच्छी मक्खनी मेहनत कर रहे हैं, अपना बढ़िया बना रहे हैं, अच्छा टेस्ट दे रहे हैं। किसी की चटनी स्पेशल है, किसी का मसाला स्पेशल है, किसी का पाव स्पेशल है, किसी का वड़ा स्पेशल है। बट जनरली अगर बोला जाए तो जो एक्चुअल वड़ा पाव है चंद्रिका दीक्षित जी का वो बेस्ट है, वो बेस्ट क्योंकि इसका रीज़न ये है कि तो टेस्ट तो था ही अच्छा प्लस क्वांटिटी बहुत अच्छी है। सही बात है, जो एक्चुअली क्वांटिटी का मतलब होता है पाव के अंदर जो टिक्की डाली हुई है जिसको बड़ा बोलते हैं उसकी टिक्की का साइज प्रॉपर है, मतलब बड़ी वाली टिक्की डाली हुई है, हर बाइट पे फिलिंग में टेस्ट आ रहा है, बड़ा का टेस्ट आ रहा है, बाकी जगह नहीं है। कई जगह पर टिक्की छोटी है, कहीं पर पाव अलग है, बट वैसे ना ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो किसी का भी वड़ा पाव कम नहीं है, सबका एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहा है टेस्ट के मामले में। अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट सबका सबके बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे है ना। क्वांटिटी की बात की जाए तो इनका बेटर है दीदी का। सो आपको हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप कभी दिल्ली आओ या अगर आप दिल्ली में ही रहते हो तो रमाडा होटल के ना बिल्कुल साथ वाली गली के अंदर ही इस तरीके से पूरी स्ट्रीट लगती है जहाँ पे आपको बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा।
बट यार रमाडा कहाँ पे? रमाडा बहुत सारे, रमाडा प्रीतमपुरा वाला, राइट, प्रीतमपुरा वाला, उसकी बैक साइड, उसकी बैक साइड पर रमाडा प्रीतमपुरा, उसके साथ वाली लेन के अंदर आपको ऐसे बहुत सारी वाली ना अलग अलग कार्ड दिख जाएंगी, क्योंकि ये पूरी स्ट्रीट ही बन गई है, हब बन गया खाने पीने का। चलो ठीक है, हम इस वाली वीडियो को ना यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारी आज वाली वीडियो के अंदर, और अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और यार दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, बाय 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 बाय।